हेलो स्टैंडर्ड टू, आज मैं आप लोगों को पाठ पांच लिंग पढ़ाने जा रही हूँ। लिंग का मतलब होता है जैसे जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उसे हम उन शब्दों के बारे में हमें लिंग से ही उसकी जानकारी मिलती है। वह शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है हमें लिंग के द्वारा इसका पता चलता है। और स्त्री जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उन्हें हम लिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा कि स्त्री जाति और पुरुष जाति, इस आधार पर दो तरह के शब्दों को देखा आपने, स्त्री और पुरुष। इस आधार पर लिंग के दो भेद हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवाते हैं उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति के बारे में हमें बताते हैं, पुरुष जाति का जिससे हमें पता चलता है उसे हम पुलिंग कहते हैं। इस आधार पर लिंग के कितने भेद हो गए? दो भेद हो गए, स्त्रीलिंग और पुलिंग, ठीक है। देखा आपने, जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं उन्हें हम पुलिंग कहते हैं। जिन शब्दों से हमें उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पुलिंग। पुरुष से पुलिंग बना, ठीक है। और जिन शब्दों से हमें उसके स्त्री जाति का होने का पता चलता है, स्त्री जाति के बारे में पता चलता है, उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे आप घर में ही देखिए, जैसे आपके नाना या फिर दादा, चाचा, पापा, भैया, ठीक है ना, जो भी मतलब पुरुष जाति के हैं, लड़का या तो लड़का हो गया या आदमी हो गया या फिर वो मतलब पुरुष हो गया, जैसे दादा, नाना, चाचा, पापा, काका, ये सभी पुरुष जाति के हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? पुलिंग कहेंगे। और उसके विपरीत दादी, नानी, चाची, काकी, बहन, भाभी, बुआ, ये सभी स्त्री जाति का बोध करवाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि लिंग दो तरह के होते हैं। एक होता है पुरुष जाति का, तो जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, पुरुष जाति के बारे में होने का जिससे हमें पता चलता है उसे हम पुलिंग कहते हैं। उसमें आप प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक शब्द भी आते हैं, ठीक है ना, दोनों में ही, पुलिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। प्राणीवाचक जो सजीव वस्तुएं हैं वो भी स्त्रीलिंग पुलिंग होते हैं, और अप्राणीवाचक जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें भी पुलिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही रूप होता है, ठीक है ना। ठीक, कुछ अन्य शब्द भी होते हैं जिनके स्त्रीलिंग शब्द अलग होते हैं, जिनके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे दुल्हा का दुल्हिन, बूढ़ा का बुढ़िया।